अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे आवर टॉपिक इज़ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। वी हैव नाइन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ब्रांच इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन में एटम्स और मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन को हम स्टडी कर रहे होते हैं। किस ब्रांच में? फिज़िकल केमिस्ट्री में। नंबर टू वी हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, सारे उसके डेरिवेटिव्स, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन वी हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक वर्ड्स ही आपको समझ आना चाहिए, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। इस केमिस्ट्री में वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स जो जनरली ऑब्टेन्ड होते हैं, मतलब जो हमें हासिल होते हैं थ्रू नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? मिनरल्स। ठीक है, नंबर फोर इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का मतलब है, मतलब किस्म, काइंड, क्वालिटी, मतलब किस तरीके का है, उसकी फिजिकल अपेयरेंस कैसी है मैटर की या फिर किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम स्टडी करते हैं किसमें? एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, नंबर फिफ्थ इज बायो केमिस्ट्री। बायो का मतलब ही लाइफ है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसका मतलब, इस केमिस्ट्री में वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स जो ऑब्टेंड होते हैं फ्रॉम लिविंग थिंग्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज में जो जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं एक सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए, जो जो केमिकल प्रोसेस से गुजर रहे हैं हम लोग और जो जो केमिकल सब्सटेंस हमें हासिल हो रहे हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसमें? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, देन वी हैव न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियस आप लोगों को पता है, न्यूक्लियस जो है वो एटम का सेंटर ऑफ द पार्ट है, जो डेंस पार्ट होता है, उसके बारे में जो जो न्यूक्लियर के अंदर चेंजेस आ रही हैं, चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, वो हम स्टडी करते हैं किस ब्रांच में? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। देन वी हैव एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में वी स्टडी अबाउट द पोल्यूशन, हेल्थ हजार्ड्स, देन पर्सनल हाइजीन, जो जो एनवायरमेंट में मतलब हमारे माहौल के अंदर जो जो चेंजेस आ रही हैं पोल्यूशन की वजह से, हेल्थ हजार्ड हैं, उसको हम स्टडी करते हैं किस ब्रांच में? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। देन लास्ट वी हैव पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री इज़ द काइंड ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हमें ऑब्टेंड होता है प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर और पेपर्स। इस पूरी स्टडी को वी विल मतलब पॉलीमराइजेशन के बारे में जो जो स्टडी हो रही है उसके, उस केमिस्ट्री को, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को नाम दिया गया है पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। बस आप लोगों ने अच्छी तरीके से सारी नाइन ब्रांचेस को स्टडी करना है विद देयर डेफिनेशंस।